है इंग्लिश ग्रामर। क्या पढ़ना है? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हमें क्या पढ़ना है? पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो जो इंग्लिश ग्रामर है ना, ये एक लेटर है। क्या है? लेटर है। ये जो लेटर है ना, इसके 9 स्टेप्स है। मान लो आपको घर पे किसी ऊंची जगह पे जाना है, किसी ऊंची जगह से चीज लानी हो, कोई घर पे हमें लगते है ना जरूरत है लेटर। आप मुझे बताओ, आप डायरेक्ट 9 स्टेप में जंप करोगे या फर्स्ट स्टेप पे? फर्स्ट स्टेप। तो जो ये फर्स्ट स्टेप है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। बोलने के आजा। क्या? बोलने के आजा। डू यू नो व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच? नो सर। आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने? नो सर। तो मैं आपको समझा दूं, जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, ये 9 है। ओल्ड फॉर्म में 8 थे, आज 9 है। क्या क्या? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल्स है। समझ आया? यस सर। पहले क्या पढ़ना है हमें? नाउन। क्या पढ़ना है? नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट इंक्लूड्स पर्संस, प्लेस, थिंग्स और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। जो ये नाउन है ना, दुनिया में जितनी भी चीज है उनका नाम होता है। कोई ऐसी चीज है जिसका नाम नहीं होता? मुझे बताओ। सब चीजों का नाम होता है। तो उसकी जो एक कैटेगरीज है मैं आपको पहले समझाता हूँ। जो एक पर्सन है, पर्सन, फुरकान, ताबिंदा, मुबशिर, ऐशम, ये पर्सन आते हैं ना। यस सर। आप स्टूडेंट्स हो, पर्सन आते हैं ना। यस सर। और फिर इसके बाद क्या है? प्लेस, गुलमर्ग है, मुकाम है, हथलुंग है, सोपोर है, बोटुंग है ना। यह किसमें आता है? प्लेस में। अब थिंक है, ये जो ये मार्कर है ना, ये थिंक है, डेस्क है, बोर्ड है, जो भी ये चीज है थिंक है ना। यस सर। अब हमें क्या पढ़ना है? एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ये बता रहा है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आपको बता रहा है स्टूडेंट्स, और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ये बता रहा है स्टूडेंट्स। आपने तो समझ लिया, ये पर्सन भी समझ लिया आसानी से, प्लेसेस भी समझ लिया, थिंग्स भी समझ लिया, मगर मैं वो चीज हूँ जो आपको आसानी से समझ नहीं आएगा। क्या? मान लो देखो, ये जो एक थिंग है ना, मैं इसको देख सकता हूँ, टच भी कर सकता हूँ। इसको हम बोलते हैं मेटीरियल नाउन। क्या बोलते हैं? मेटीरियल नाउन। जो हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते, उसको हम मेटीरियल नाउन है। उसी का उल्टा समझो, उसी का उल्टा मतलब ना हम उसको देख सकते हैं, ना हम उसको टच कर सकते, बस फील कर सकते हैं, महसूस। जैसे हैप्पीनेस, लव है, हेट है, हैट्रेड है, यही होता है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो आप जीत किसकी हो? स्टूडेंट्स की या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की? स्टूडेंट्स की।